हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू लेकर आया हूं, जो कि क्लास एट के लिए एनसीईआरटी मैथ में से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 के दोनों क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर नंबर 8 टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, डेट इज कंपेयरिंग क्वान्टिटीज, चैप्टर का नेम है। उसके दो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अच्छी तरीके से आपको समझने की जरूरत है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो फाइंड करने के लिए आपको एक चीज का पता होना जरूरी है कि रेशियो तभी फाइंड होता है, सेम चीजों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं हम। कहने का तात्पर्य यह है कि रेशियो फाइंड करने के लिए आपके क्वेश्चन में जो भी चीज़ें गिवन है उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरा भी किलोमीटर में होना चाहिए, एक अगर पैसों में है तो दूसरा भी पैसों में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में और आप उनका रेशियो फाइंड कर रहे हो, डैट इज इम्पॉसिबल। आपको रेशियो फाइंड करने के लिए सारी यूनिट सेम करनी पड़ेंगी, अगर वो सेम नहीं है तो। आइए देखते हैं, जैसे ए वाला पॉइंट है, इसमें स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर है और इसकी भी यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो इसका तो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा 15:30। इज दैट क्लियर? 15:30, और इसको आप रेशियो को 15/30 लिख सकते हो। रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तुम्हारा मन की बात है, तुम्हारी जब इच्छा करे आप फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हो, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो 5 से 3 बार और 5 से 6 बार, और काटना चाहूँ तो 3 से 1 बार, 3 से 2 बार, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 1:2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1:2। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ कट कर सकते थे, 15 से 1 बार, 15 से 2 बार, तो 1:2 आ गया। आगे चलते हैं, बी वाले पॉइंट की बात करें तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखो यहाँ जो यूनिट है वो मीटर है और यहाँ जो यूनिट है वो किलोमीटर है, तो इनका रेशियो फाइंड नहीं हो सकता जब तक कि आप किलोमीटर को चेंज नहीं कर लेते। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होंगे, यस और नो? तो आपको 5 मीटर का रेशियो देखा जाए तो 10,000 मीटर से ही तो फाइंड करना है। हर किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो 5 मीटर का रेशियो 10,000 मीटर से फाइंड करना है, जो कि होगा क्या, 5/10,000। इसको काटना चाहूँ तो 5 से 1 बार और 5 से 2000 टाइम्स, तो 1:2000 आ जाएगा इसका आंसर। 1:2000 यानी 1:2000 इसका आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से, ठीक है। अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं, 50 पैसे 2 रुपये 5, 5 रुपये का आपको 50 पैसे से रेशियो निकालना है, जो कि आप नहीं निकाल सकते हो जब तक कि आप ₹5 को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर लेते। और मैं आपको बता दूं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यू नो, तो 5 रुपये में 500 पैसे होंगे। एक्चुअली में आपको 50 पैसे का रेशियो 500 पैसे से निकालना होगा, तो 50/500, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 1 बार, 5 से 10 बार, तो ये आ गया 1/10। और अगर मैं इसको रेशियो में लिखना चाहूँ तो 1:10 होगा, क्लियर है, 1:10 होगा इसका आंसर। इस तरीके से करना होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज, कुछ रेशियो के माने जिनको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो सब परसेंट में, परसेंटेज में आपको अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तो हमेशा मल्टीप्लाई करना 100 का। अगर इसका अपोजिट बात करूँ, अगर आपको परसेंट टू कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 का। इन दो बातों को बस आपको हमेशा याद रखना है। 3:4 का मतलब होता है 3/4, इतना आप जानते हो। अभी मैंने बताया था कि रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, तो इस रेशियो को मैंने 3/4 रख लिया। अब इस फ्रैक्शन को मेरे को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 का,
अभी मैंने बताया, तो 100 का मल्टीप्लाई, 4 से इसको काटो 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई होगा 75%। तो 3:4 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 75% होगा। वैसे भी आप देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूं, ये कोई चीज़ टोटल 4 है, 4 के 3 हिस्से तो 75% होगा, 4 के 4 हिस्से होंगे तो 100% होता है, एक हिस्सा 25%, दो 50%, तीन हिस्सा 75%। तो तीन हिस्सा है, 3 जो पार्ट है वो 75% का इक्वल होगा। ऐसे यहाँ 2:3 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 का मल्टीप्लाई, यस और नो? 3 से ही नहीं कट सकता तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे नीचे का, तो 200/3 आ जाएगा। अब इसको अगर तुम काटोगे तो 3 6 18 और 2/3, ठीक है, 66 होल में 2/3 परसेंटेज आएगा इसका। इसमें डिवाइड कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया है, इसका डिवाइड करके आपको होल में लिखना आता होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हाँ हमारे समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।